युवराज होटल पर पुलिस ने छापा मारा है और होटल में देव व्यापार की यहां पर जानकारी मिली। चार युवतियों और चार युवकों को संदिग्ध हालत में हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी खबर जयपुर के चौमू से मिल रही है, जहां पर युवराज होटल पर छापा मारकर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रदीप सोनी जिमिया संवाददाता चौमू से जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। प्रदीप, क्या खबर है वहां से? देखिए राहुल, लगातार पुलिस को युवराज होटल की शिकायतें मिल रही थी, जहां देह व्यापार होने की सूचनाएं पुलिस को मिल रही थी, जिस पर एसीपी दिनेश शर्मा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। और अभी दोपहर में ये छापेमारी कार्रवाई की गई है। इसमें तीन लड़कियां और चार लड़के संदिग्ध हालत में पकड़े हैं, जिनको पुलिस थाने ले आई है, उनको हिरासत में ले लिया। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी पुलिस ने जो मिलन होटल थी हाईवे के ऊपर, वहां भी कार्रवाई करी थी, वहां भी इसी तरह से देह व्यापार की सूचना मिली। तो अब सवाल ये उठता है, जो चोमू का इलाका है, वहाँ जो हाईवे पे स्थित होटले हैं, क्या वाकई में उनमें ऐसे जो देह व्यापार का धंधा है वो लगातार चल रहा है? तो फिर पुलिस आखिर कार्रवाई किस तरह से करेगी और कैसे कार्रवाई होगी? क्योंकि अवैध कार्य जब बढ़ जाएंगे तो न्यूसेंस फैलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। राहुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।